सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मेरा नाम है आयुष भट्ट। एंड आज जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। जो टॉपिक अपना ये है कि यार व्हाई यू शुड नॉट कंसीडर बुलेट एज योर प्राइमरी व्हीकल। तो आपको इसको प्राइमरी व्हीकल क्यों कंसीडर नहीं करना चाहिए भाई? क्योंकि बहुत से भाई बोलेंगे क्या बोल रहा है भाई ये। बट यार देखो, मैं हूँ शौकिया टाइप का आदमी, आप में से कई होंगे बुलेट वाले शौकिया ही रहते हैं ज्यादातर। तो भाई आपको प्राइमरी व्हीकल इसको इसलिए कंसीडर नहीं करना चाहिए, तो मैं काफी सारे रीजंस हैं। देखो पहले तो आपको सबसे पहला बड़ा रीजन मैं आपको यही बता देता हूँ कि इसमें भाई आपको ज्यादा वो नहीं मिलता डिजिटल वगैरह ये सो। तो भाई अगर आपके आप डायरेक्ट, जैसे मैंने भी डायरेक्ट, मेरे पे फर्स्ट बाइक है, इससे पहले कुछ ना ही मानो आप, मेरी फर्स्ट बाइक है। तो भाई मैंने शौकिया आदमी हूं, मैंने ले लिया। देखो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है शौकिया आदमी की कि उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट नहीं होगी तो तब तक तो उसे मजा नहीं आएगा। अब आपको पता है शुरुआत में इसमें स्पोक व्हील्स वगैरह आते हैं, अगर आप स्टैंडर्ड वगैरह लोगे, हैंडल अपलिफ्ट आता है, ये स्टिकरिंग वगैरह कुछ नहीं रहती ऐसे। तो भाई अगर आप प्राइमरी व्हीकल इसको लेंगे तो भाई आपको अपने शौक भी मेंटेन रखने पड़ेंगे। और अगर आप वैसी कोई बाइक लेते हैं इसकी ऑपोजिट में, कोई अपाचे पल्सर या कोई स्पोर्ट्स बाइक जिक्सर R15, तो भाई उनमें आपको काफी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शुरुआत से अलॉय व्हील्स आते हैं, शुरुआत से डिजाइन आता है बड़ा मस्त सा। तो भाई अगर आप इसको लेते हैं आपको और खर्चा करना पड़ेगा इस पे, जैसे कि अलॉय व्हील्स पे, क्योंकि जो शौकिया आदमी होगा वो कभी स्पोक व्हील्स में खुश नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। एंड ये अपने हैंडल है, ये भी डाउन करवाएगा, उठपटांग काम करवाएगा इसमें, वो हमेशा चमका के रखेगा इसे, क्योंकि वो शौक के लिए उसने ये चीज खरीदी है। तो भाई अगर आपने नए नए हो, बंदा जो नया बाइक लेने की सोच रहा है, अभी आपका बजट बना है, तो भाई सोच समझ कर लेना इसे। ये नहीं कहता मैं कि ना लो, क्योंकि अगर जो नॉर्मल इंसान होता है, जो शौकिया नहीं होता, तो वो तो वैसे ही चला लेगा अपना, जैसी बाइक मिली स्टॉक वैसे ही चला लेगा। लेकिन अगर आप इसे लेते हैं तो भाई इसमें आपको थोड़ा बहुत कराना पड़ेगा अगर आपको शौक वगैरह है अलॉय व्हील्स वगैरह के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यार कि इसको प्राइमरी व्हीकल कंसिडर ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। एंड वैसे कोई दिक्कत नहीं है अगर नॉर्मली जैसे मैंने मेंटेन कर रखी है वैसे भी कर सकते हैं आप। सॉरी साइड से दिख नहीं रहा है, ऐसे स्पोक व्हील्स मेरे तो चल जाते हैं, आगे फ्यूचर में करा लूंगा मैं अलॉय व्हील्स वगैरह, जब मेरा बजट सही सही होगा तब मैं करा लूंगा। लेकिन अभी मैं ऐसे में ही खुश हूं, मेरे को कोई ऐसी सच नहीं चढ़ी है। लेकिन कुछ कुछ बंदे होते हैं कि अगले दिन ही पहुंच जाते हैं शॉप में और अलॉय व्हील्स वगैरह लगाने। तो भाई यही बात है, बस इसी के बेस पे मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती है। ये देखिए, तो शुरू शुरू में तो आप ले लेंगे जोश में, थोड़ा क्या कहते हैं कि बुलेट है कोई नहीं, हम कर लेंगे जैसा भी होगा। बट धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि यार इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत होती तो इंजॉय रहता, डिजिटल होता सब कुछ, टाइम डिस्प्ले होती, गियर पोजीशन इंडिकेटर होता अपना, ये थोड़ा इसके नट बोल्ट वगैरह ढीले हो जाते हैं बुलेट के, ये सब जो ये सब चीजें मैं आपको बताया ना कि अगर शौक पालना है तो आपको वो भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कष्ट भी करना पड़ेगा यार। इसके नट बोल्ट टाइट करते रहो टाइम टू टाइम, अगर गंदी रहती है तो मजा भी नहीं आता यार इसमें स्पोर्ट्स बाइक को, तो आप जैसी लेके चल लो। तो भाई यही कुछ कारण थे यार जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ आपको। बाकी वैसे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ये पॉइंट के बेस पे बोल रहा हूँ मैं। गाड़ी आप ले लो, अगर नॉर्मली आपको चलानी है तो गाड़ी ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट यही था बस, बाकी मैंने बता ही दिया आपको। और कुछ बात करें जैसे कि किस बेस पे और मैं बोल सकता हूँ, तो ये देखिए सकते हैं आप इस बजट में, जैसे मेरे को ये 169-170 की ऑन रोड पड़ी है, तो भाई इस बजट में आपको एलईडी हेडलाइट्स किसी भी, मतलब मोस्टली बाइक्स में मिल जाएगी। एलईडी इंडिकेटर्स तो मैं नहीं कहूंगा, एलईडी लाइट्स मिल जाएगी, बैक भी एलईडी मिल जाएगी आपको, स्पोर्टी डिजाइन मिल जाएगा, अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे दोनों, उसमें डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। एंड तो भाई ये शौकिया आदमी कहीं ना कहीं इन चीजों को कॉम्प्रोमाइज करता है बुलेट के चक्कर में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है हेलोजन हो स्पोक व्हील्स हो, मतलब फिर वो बाद में भले ही करवाएगा लेकिन फिर उसको खर्चा आएगा, 8,000 कुछ के अलॉय व्हील्स पड़ेंगे अपना मॉडिफिकेशन वगैरह करा के, तो उसका खर्चा तो होना ही है। लेकिन वो शौक के चक्कर में ही लिया उसने, अगर वो पहले इतना उसी बजट में अगर वो देखे तो उसको ये सब कुछ अच्छी खासी डिजिटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हाईटेक अच्छी वो ये सब उसको अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, मतलब काफी कुछ अच्छा मिल सकता है उसको उस प्राइस पॉइंट पे, तभी भी वो इसको खरीदता है क्योंकि उसको शौक है, उसको इसको मॉडिफाई कराना है। तो इस बेस पे ले यार इसको, अगर आप प्राइमरी व्हीकल सोच रहे हैं कि आपका फर्स्ट व्हीकल है, फर्स्ट व्हीकल आपका डेली अप डाउन है, इधर उधर कहीं भी जाना है, चलो कॉलेज वालों को तो नहीं कहूंगा मैं, अगर आप थोड़ा यंग इंसान है एज मतलब नौकरी करते हैं तो भाई उनके लिए मैं कहता हूँ कि आप अब शौक आपकी एज नहीं रही है, मतलब ऐसे शौक की कोई एज नहीं होती, बट यार थोड़ा सोच समझ के लें, आपको डेली बेस पे रन करना है तो आप शौक कब तक करेंगे कब तक देखेंगे, और अपना अपनी आपको फैसिलिटीज देखनी है यार। अब
अगर आपका बजट टाइट है, ये है, सो एलॉय व्हील्स लगाने के पैसे नहीं है, फिर आप रोते रहोगे, कोई फायदा नहीं है उसका। तो आपका अगर बजट टाइट है और अगर आपको क्या कहते हैं मतलब बाइक चाहिए, गुड लुकिंग चाहिए, तो आप थोड़ी अच्छी स्पोर्ट्स कैटेगरी में जाएं या फिर क्लासिक ले लें। वो थोड़ी से अप डाउन चल जाती है, 50,000 ऊपर चल जाएगी, तो फिर आप क्लासिक ले लें भाई। अगर ऐसा ही है, उसमें स्पोक व्हील्स थोड़े बढ़िया लगते हैं, इसमें वैसे इसमें भी लगते हैं, पर आपको पता है कुछों को होती है चुल, तो क्लासिक ले लें, वरना अपना कोई और बाइक ले लें। इसको प्राइमरी व्हीकल अगर आपको कंसिडर करना है तो जो जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाइए। ये एलईडी हेडलाइट, इन्फॉर्मेशन, स्पोक व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलेंगे आपको, एंड ऐसी कुछ लुक मिलेगी। तो भाई यही चीज अपने माइंड में रखना, तभी इसको फर्स्ट व्हीकल खरीदना। बस यही कुछ पॉइंट्स है, बाकी आपकी इच्छा है यार, खरीदनी है तो खरीद लो, मैं तो बस आपको इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। बाकी बने रहिए यार चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो तब तक के लिए बाय बाय।